हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप सब बहुत अच्छे से और सब बहुत अच्छे से अपने अपने गोल्स की तरफ प्रिपेयर भी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन्फ्लेशन बताऊंगा, करेंट ट्रेंड इन इन्फ्लेशन क्या हो रहा है इंडिया में और क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना रेपो रेट को कंटिन्यूअसली बढ़ाए जा रहा है, फिर भी इन्फ्लेशन क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या एक्चुअली इन्फ्लेशन का रिजल्ट एक्चुअली आरबीआई जो एक्शन ले रहा है इन्फ्लेशन की तरफ वो एक्चुअली क्या सही है, क्या वो इन्फ्लेशन को कर्व कर सकता है या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंट भी है जो कि इंडिया में इन्फ्लेशन का रीजन बना हुआ है। तो चलिए गाइस, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए गाइस, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन है क्या। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन मतलब प्राइस में राइज होना। ठीक है, राइज इन प्राइस। ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक साबुन है। ठीक है, लक्स का साबुन है। इसका दाम सपोज 10 रुपए है। 2012 में इसका कॉस्ट था 10 रुपए। अभी जो है 2023 में इसी साबुन का कॉस्ट हो गया बढ़ के 18 रुपए। तो अभी जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है 80% का इंक्रीज है, तो ये जो इंक्रीज होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, ये लेवन टर्म्स में समझाने के लिए आपको बताया। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कैलकुलेट करने का जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ठीक है, एनएसओ है, उनके पास एक स्टैंडर्ड है, उनके पास एक बास्केट होता है। ठीक है, बास्केट है, उसमें 299 आइटम्स है। ठीक है, 299 गुड्स एंड सर्विसेज मिला के 299 आइटम्स है। उनके जो प्राइसेस है उनके प्राइसेस के कंपेरिजन में वो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। इन सिंपल टर्म्स, ये जो 299 आइटम्स है, इनका सपोज 2012 में प्राइस 10 रुपए था, 2023 में इनका प्राइस बढ़ के 18 रुपए हो गया, तो इन्फ्लेशन हो गया 80%। इतना राइज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें घटती भी है। तो जनरली इन्फ्लेशन देखने को, अभी मेरे को लास्ट याद है कि जो इन्फ्लेशन रेट था वो 6.2% के आसपास था। ठीक है, तो जनरली वैसा ही होता है, लेकिन मैंने एक लेमन टर्म्स में बोल रहा हूँ, 299 आइटम्स का प्राइस सपोज 10 था 2012 में, अभी इनका ही प्राइस बढ़ के 18 हो गया, तो ये जो चेंज होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, और ये जो कैलकुलेट करने का जो बेस है इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई। ठीक है, इसी को हम लोग सीपीआई बोलते हैं। और जो इस तरह से जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है इंडिया में उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन का डेफिनेशन। अभी देखो, अभी मैं आपको ये बताता हूं कि इतना जो इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन जो रुक ही नहीं रहा है, उसका मेन रीजन क्या है। देखो, आपको पता होगा कि रशिया ने जो इन्वेजन किया था यूक्रेन में, उससे हर एक कंट्री की इकोनॉमी में काफी ज्यादा चेंजेस आई है। ठीक है, इन्फ्लेशन रशिया ने जैसे ही यूक्रेन को इन्वेड किया, तो ये सपोज रशिया है, ठीक है, ये रशिया है, ये यूक्रेन है, ये रशिया है, ये यूक्रेन है। अभी जो रशिया है, रशिया जो है वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, ऑयल का, वो तेल का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। और यूक्रेन जो है, यूक्रेन में 50% जो सनफ्लावर ऑयल होता है, जो सनफ्लावर ऑयल यूज होता है, वो 50% जो है वो यूक्रेन का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, आई मीन यूक्रेन का ही वो दिया है। और जो है यूक्रेन ने, यूक्रेन जो है 10% वीट प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से देख लो, WHEAT वीट, उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करता है। और यूक्रेन जो है वो 50% सनफ्लावर ऑयल में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब आई मीन प्रोड्यूस करता है, तो वो उसको एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अभी ये दो, इन दो कंट्रीज में इन्वेजन होने के लिए जो बाकी कंट्रीज है वो इन दो कंट्रीज पे इनका डिपेंडेंसी कम हो गया। मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया जबकि रशिया से और यूक्रेन से पहले लेता होगा, मैं सपोज ऑयल का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो यूक्रेन से वो सनफ्लावर ऑयल लेता होगा, ठीक है, या फिर रशिया से वो लेता होगा। तो अभी ये जो इन्वेजन के बाद क्या हुआ है, इंडिया जो है हेविली डिपेंडेंट हो गया कंट्रीज लाइक मलेशिया, ठीक है, हेविली डिपेंडेंट हो गया कंट्रीज लाइक मलेशिया और इंडोनेशिया पे पाम ऑयल के लिए। अभी पाम ऑयल ही आ रहा है, ठीक है, ये सब ऑयल नहीं आता है, तो पाम ऑयल अभी अभी जैसे कि सिनेरियो ऐसा है, तो इन दो कंट्रीज ने भी जो प्राइसेस है उनको राइज कर दिया है। ठीक है, तो मेन इन्फ्लेशन जो आ रहा है वो कंट्री में पैसा बढ़ने की वजह से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है बाहरी प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है, जो इंडिया के बाहर जो प्रॉब्लम्स है,
अभी देखो कोई भी आप सपोज किस कोई भी चीज बनाते हो जिसमें कि ऑयल का रिक्वायरमेंट होता है, तो अभी आप उसको इंडिया से मतलब खरीदोगे ठीक है, तो वो बाहर से आएगा, तो अगर वो रॉ मटेरियल का ही प्राइस ज्यादा है ठीक है, तो चीजों के प्राइसेस तो बढ़ेंगे ना, है ना। अभी सपोज आप सनफ्लावर ऑयल ला रहे थे, इंडिया सपोज ला रहा था 100 रुपए में प्रति लीटर, अभी अगर उसको 200 रुपए देना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई ठीक है, उससे प्राइस रेज हो गई ठीक है। तो ये रीजन है। अभी देखो अभी क्या होता है, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है ठीक है, वो हम लोग समझते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और अगर इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करना, और डिफ्लेशन है तो उसको भी मतलब कंट्रोल करना, इन द सेंस उसको कंट्रोल नहीं करते लेकिन तब पैसा डालते हैं। इन्फ्लेशन मतलब लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा है ठीक है। मैं आपको एक थ्योरी समझाता हूँ, एक चीज समझाता हूँ। देखो सपोज ये एक पेन है ठीक है, अभी मैं सपोज इस चीज को मार्केट में ले जाके मैं इसको बेच रहा हूँ, तो अभी मैंने सपोज इसका प्राइस अभी 10 रुपए रखा ठीक है, मैंने देखा ये बिक गया ठीक है, मेरे पास 100 पेन थे, सारे के सारे बिक गए। अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट डे जाके इसी चीज का प्राइस में 15 रुपए कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि लोगों के पास ये चीज खरीदने के लिए पैसा है और लोगों को इस चीज की जरूरत भी है। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिमांड ठीक है। अगर एक चीज का डिमांड होता है उसका मतलब ये है कि लोगों के पास उस चीज को खरीदने का पैसा भी है और लोगों को उस चीज की जरूरत भी है ठीक है। तो अभी हमारा जो खेल आता है वो क्या होता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा होना मतलब प्राइस जैसे मैंने बढ़ाया तो मैंने इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट किया, तो अभी मैंने जो प्राइस बढ़ाया इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमी है वहां पे पैसा ज्यादा है ठीक है, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, पैसा लिखने वाला था, इकोनॉमी में जब पैसा ज्यादा होता है ठीक है ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं ये पैसा है, तो इकोनॉमी में जो पैसा ज्यादा होता है तब आता है इन्फ्लेशन। अभी आरबीआई क्या करते हैं, देखो आरबीआई को जरूरत है कि कंट्रोल करना, नहीं तो कोई भी अपने हिसाब से कितना भी पैसे छापते रहे मतलब कमाते रहेगा, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ा के वो बेचते रहेगा। तो आरबीआई को क्या करना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है ठीक है। तो आरबीआई के पास एक ऑप्शन होता है रेपो ठीक है, रेपो रेट जिसमें रेपो का मतलब है रीपर्चेज ऑप्शन रेपो का मतलब है, आरईपी मतलब रीपर्चेज, ओ मतलब ऑप्शन। इसमें आरबीआई क्या करता है, कि वो बैंक्स के पास जाता है ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई ठीक है, यूबीआई, एचडीएफसी, जो भी है, जो भी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं, जो भी बैंक है ठीक है, तो वो बैंक, मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक से एग्जाम्पल लिया इसमें ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, बैंक के पास जाता है, और आरबीआई क्या करता है कि बैंक्स को वो लोन देता है ठीक है, लोन नहीं देता, आई मीन बैंक्स को वो पैसा देता है ठीक है। एक्चुअली ये कोई लोन नहीं है, बैंक्स को लोन देने की कोई जरूरत नहीं है, बैंक्स के पास ऑलरेडी बहुत पैसा होता है। अभी आरबीआई अगर बोलेगा कि मैं एसबीआई को लोन दूं, अभी अदानी खुद एसबीआई से लोन ले रहा है, तो आरबीआई एसबीआई को क्या लोन देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है, वो लोन नहीं होता है, लेकिन आरबीआई जो है बैंक्स में वो पैसा डिपॉजिट करता है, और उसके बदले में बैंक में उसने पैसा डिपॉजिट किया, उसके बदले में वो बैंक से क्या करता है, वो सिक्योरिटी लेता है ठीक है, सिक्योरिटी लेता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि बैंक अपने पास होल्ड करता है अबव एसएलआर। बैंक को एक एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, एसएलआर क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट कभी क्लास में बताऊंगा, लेकिन बैंक जो है जो सिक्योरिटी है वो आरबीआई के पास रखता है और आरबीआई से पैसे ले लेता है। अभी आरबीआई इंटर्न क्या करता है कि इसको एक लोन जैसा ट्रीट करता है, तो आरबीआई क्या करता है जब वो बैंक से जो पैसे उसने बैंक को दिए, जो वो वापस लेगा, उसमें वो इंटरेस्ट रेट को वो चेंज करते रहता है, इसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट ठीक है। अभी सपोज उसने ये जो आरबीआई जो बैंक को जो पैसा दे रहा है उस लोन में, मैं लोन बोल रहा हूँ लेकिन लोन नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए समझ लो कि आरबीआई जो बैंक को लोन दे रहा है उसमें जो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, अगर वो उसको बढ़ा देता है, सपोज उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो वो बढ़ाने से क्या होगा, अभी बैंक को आरबीआई को ज्यादा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो बैंक इंटर्न क्या करेगा, बैंक पब्लिक से भी ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, तो बैंक पब्लिक से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा मतलब बैंक क्या कर रहा है कि बैंक पब्लिक से पैसों को खींच रहा है, इंटर्न आरबीआई बैंक के थ्रू इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट रेपो रेट का, और रेपो रेट को क्यों करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा है तो बैंक के पास कम पैसा है तो आरबीआई बैंक में पैसा इन्फ्यूज करना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, आरबीआई बैंक में पैसा देता है, बैंक को लोन देता है,
बदले में सिक्योरिटी लेता है, और जब लोन का इंटरेस्ट रहता है तब वो अगर उस इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ा देता है तो बैंक इन टर्न पब्लिक किसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, तो उसी चक्कर में मतलब बैंक ट्राई करते हैं कि लोगों के पास पैसा कम है। इसीलिए आप अभी देख रहे होंगे कि होम लोन्स वगैरह की इंटरेस्ट रेट कितना ज्यादा है, ठीक है। आप एक कार लोन लेके देखो, उसके इंटरेस्ट रेट देखो, अभी पिछले दिनों से इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है। तो ये चक्कर है, तो ये होते हैं रेपो रेट। अभी उल्टा होने से रिवर्स रेपो होता है। सपोज ऐसा होता है सिचुएशन कि पैसा ही कम है, पब्लिक के पास पैसा ही कम है, तो आरबीआई क्या करेगा, पैसा इन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा। तब वो क्या करेगा कि रिवर्स रेपो चलाएगा। जैसे इस टाइम पे आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ने बैंक में पैसा दिया था। अभी क्या करेगा वो, बैंक से वो पैसा ले लेगा, ठीक है, बैंक से पैसा ले लेगा और बैंक में गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, बैंक से पैसा ले लेगा, तो आरबीआई जब बैंक से पैसा लेगा तो आरबीआई जब बैंक को रिटर्न करेगा तब वो एक इंटरेस्ट के साथ बैंक को रिटर्न करेगा, तो बैंक का भी लालच कम जाएगा। तो बैंक क्या करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट रेट को घटा देगा, जिससे लोगों के पास पैसा ज्यादा हाथ में रहेगा, जिससे डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। ऑपोजिट होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हम रेपो रेट को बढ़ाएंगे, डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हम रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि आरबीआई बैंक से पैसा खींच रहा है, ठीक है, आरबीआई बैंक से लोन नहीं ले रहा है, आरबीआई बैंक से पैसा खींच रहा है, बदले में सिक्योरिटी दे रहा है, और जब आरबीआई रिटर्न करेगा जिस रेट में करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे रिवर्स रेपो, ठीक है। तो ये होता है रिवर्स रेपो, ये होता है रेपो रेट, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे ये क्यों हो रहे थे, अभी आरबीआई आपने अगर न्यूज देखा होगा तो लास्ट आई थिंक दिसंबर जनवरी तक भी आरबीआई जो है वो रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है फिर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ ही जा रहा है, ठीक है। रेपो रेट बढ़ने से तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन का मेन रीजन कंट्री के अंदर नहीं है, कंट्री के बाहर से है। मैंने जैसे कि बताया कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद हर एक चीज महंगा हो गया है, लोग अदर कंट्रीज पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, जो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे आई मीन माल एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, इम्पोर्ट करने में बहुत खर्च हो रहा है, तो ऑब्वियसली वही रीजन है, और उस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। आरबीआई जितना भी बढ़ा ले, आई मीन थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन उतना भी नहीं, ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की, रिवर्स रेपो और रिवर्स रेपो, इन्फ्लेशन क्या होता है और मेन रीजन क्या, आरबीआई क्यों फेल हो रहा है कंट्रोल करने में, ठीक है। तो अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस, एंड मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ऐसे चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें लाते रहूंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे साथ। तो चलिए गाइस, थैंक यू।